हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी सीजेरियस से के दौरान हुई है, यानी कि ऑपरेशन से आपका बच्चा हुआ है, तो आप मसाज करा सकती हैं या नहीं करा सकती हैं। अगर अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, आप न्यू मॉम बनी है, तो आपको पता चल गया होगा कि न्यू मॉम बनना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आपको बेबी के लिए रात रात भर जागना होता है, आपका रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, आपको अपना भी ख्याल रखना होता है, अपने बेबी का भी ख्याल रखना होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न्यू मॉम्स में देखने को मिलता है। शायद इन्हीं सारी चीज़ों से रिकवर होने के लिए हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को 40 से 45 दिन तक मसाज किया जाता है। और मैं तो कहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल ट्रेडिशन है, एक तरह से रिचुअल जो कहा जाता है वो है, क्योंकि मसाज कराने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मसाज कराने से आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, हीलिंग अच्छी होती है, आपके मसल्स टोन बढ़ते हैं और आपके जो बॉडी है वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। आपकी बॉडी से जो एक्सेस फ्लूड और टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और बॉडी का जो स्वेलिंग है वो भी कम होता है। मसाज कराने से ब्रेन में से फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आप खुद को बहुत अच्छा फील करती हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है, मूड अच्छा रहता है और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आप इमोशनली और फिजिकली खुद को बहुत अच्छा फील करती हैं, क्योंकि रात रात भर जागने से, बेबी को फीड कराने से आपको जो बॉडी एक और बैक एक मिलता है उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है और आप एनर्जेटिक फील करती हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 4 से 5 दिन बाद बॉडी मसाज करा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप कम से कम 2 हफ्ते इंतज़ार करिए, उसके बाद ही मसाज कराइए। और मसाज भी आप हाथों में, पैरों में, पीठ में, सर में करा सकती हैं, लेकिन टमी पे आप अपने मसाज ना कराइए, स्पेशली आपके टाँकों के आसपास आप मसाज ना कराइए। टमी पे मसाज करने के लिए कम से कम 6 वीक्स का वेट करिए आप। टमी मसाज आप 6 वीक्स के बाद करा सकते हैं, लेकिन बहुत ही जेंटल प्रेशर के साथ, बहुत ही सॉफ्टली आपका जो मसाज है वो होना चाहिए। और टाँकों के आसपास आप मसाज ना कराइए, टाँकों के आसपास आप खुद से मसाज करिए, हल्के हाथों से, सर्कुलर एंड अप डाउन मोशन में आप हल्के हाथों से खुद मसाज कीजिए। स्कार पे मसाज करने से जो स्कार टिश्यू है उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, वहाँ की इलास्टिसिटी बढ़ती है, रिकवरी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, नंबनेस भी कम होने लगता है, वहाँ पे पिगमेंटेशन भी कम होता है। तो मसाज करिए, लेकिन आप अपने हाथ से करिए। मसाज कराते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो जब भी आप मसाज करना शुरू करें, एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर महिला की जो बॉडी है और रिकवरी पीरियड है वो अलग अलग होती है। अगर टाँकों के आसपास किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो रही है, आपको कोई पस आ रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ऐसे केस में आप मसाज ना कराएं। मसाज आप हमेशा प्रोफेशनल मेट से ही कराएं और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ ना कराएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मसाज कराएंगी तो इससे आपका बॉडी एक कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मसाज कराने के लिए किस ऑयल का यूज करें, तो मसाज के लिए कोई भी स्पेशल ऑयल की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पसंद है या फिर जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, चाहे वो नारियल का तेल है, तिल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, आप कुछ भी लगवा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डिलीवरी के बाद मसाज बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको कराना ही कराना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर कराइए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन आपको साथ में प्रिकॉशन भी रखना है, प्रोफेशनल मेड को करना है, टाकों के आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।